हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑनली व्लॉग विद अ न्यू वीडियो। तो सुबह के हो चुके हैं करीब 8:30 हो गए हैं। तनिषा सोई हुई है, अभी हो जाए बेटा है ना, और रिचा यहाँ पर कपड़े लेने से हो रही है। रिचा यहाँ पर एक बार कपड़े धो रही है। क्या करो चल, कपड़े धो रही, पीछे हो जाओ। कब लगाए कपड़े? अच्छा, हाँ मैंने इसके जूते बोले थे धोने के लिए, धो ठीक है। सुबह सुबह चाय हमारे लिए एक तरह से चुस्ती काम करता है, सुबह उठते पहले चाय चाहिए। अच्छा चाय रख दो बेटा। तो गाइस टाइम हो गया है, करीब 11 बजने वाले हैं, और तनिषा पढ़ रही है और रिचा यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही है, और मेरे को उसने एक काम दे दिया है कि आज घर का नाश्ता मैं बनाऊंगा। और नाश्ते में ब्रेड आ गई है, और साथ में यहाँ पर बेसन से घूर गया हुआ है, और अंदर से कह रही है पनीर निकालो, कह रही पकौड़े खाने हैं, पकौड़े पनीर के पकौड़े या ब्रेड के पकौड़े, ये रहे पनीर। अब ये मुझे बनाना पड़ेगा सब कुछ, और ये यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही है। कहाँ गई ये? रही ये यहाँ पूजा की तैयारी कर रही है। चलो तो फिर मैं अभी पहले तैयारी करता हूँ इसकी ब्रेड पकौड़े की, आपसे मिलता हूँ थोड़ी बाद। पहले बना रहे हैं, अरे कोई को अच्छा करो, अभी पहले बना रहे हैं पनीर का पकौड़ा, जो कि आपको बनाना आता ही नहीं है। इसके बाद हम बनाएंगे ब्रेड का पकौड़ा। मैं देख रही हूँ सारे पनीर फटे हुए हैं अंदर से, देखो देखो पकौड़ा हटाओ, देखो सब पनीर फट गए हैं, मतलब सब कुछ फट गया है। ऐसा तुम साबुन निकलोगे नहीं, कैप्सूल तो है नहीं कि तुम साबुन निकल जाओगे, फट के जाएगा। चलो पापा को बनाना नहीं आता, अरे कौन निकल गए, एक भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है, सब फटा हुआ है। इसके अंदर तेल घुस गया होगा, पनीर के अंदर तेल घुस गया होगा, इसमें तो वो बहुत कम पड़ेगा। पनीर के हाथ में अब देखो, अब आया ना आपका सही फेस, फेस फेस सही फेस। पहले अपने कान को जाके चेकअप करो, अपने कान का। ओह माय गॉड, ये वो मैंने बताया था। तो गाइस टाइम हो गया है, करीब 11:30 होने वाले हैं, और बस अभी ये नाश्ता कर लिया है, पनीर का पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा और लगी बेटा कुछ देखिए बेटा, ये रिचा पूछ, रिचा पूछोगे तुम्हारी, आ जाओ कल खा लो। ये बने पकोड़े, तेल गर्म था तो मैंने सोचा साथ में पापड़े चल लें, मैंने पापड़े साथ में चल दिए। ये है चना का पापड़, चने की दाल का पापड़, चना और हींग मिला हुआ है। तो बस मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ, ब्रेड पकौड़े का और पनीर पकौड़े का, चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस दोपहर के हो चुके हैं, पूरे 2:30 बज गए हैं, और बस अब मैं अभी बिल्कुल दस ना के आया हूँ अभी, और बस अब खाने की तैयारी हो रही है। खाने में रिचा ने बनाया है, वही कल रात को घी बनाया था, घी की सब्जी है और साथ में रोटी बन रही है। रिचा मैंने घी में लगाना रोटी में, ये लड़की घी आज ये लड़की देखो घी खाएगी और शौक से खाएगी। पकड़ो बेटा जल्दी पकड़ो, गर्म है, नहीं भिंडी नहीं है बेटा, भिंडी खत्म हो गई, भिंडी मम्मी खाएगी बेटा, आज ये लड़की सिर्फ घी खाएगी, आज इसको भिंडी नहीं मिलेगी। गाइस इसकी माँ ऐसी है, इसको देखो चुपचाप से भिंडी दे रही, अभी चटनी मांगी ताकि रिचा चटनी थी ना, फिर देख लें मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी खाना आ गया, घी की सब्जी है, रोटी है, तो नहीं बस, तो चलिए बस आपसे अभी मिलते हैं खाने के बाद। ये देखो चटनी उड़ा के ले आई, बड़ी बेशरम है, नीचे देख लो चटनी उड़ा के ले आई है वो, हाँ सारा किया गरम करना उसने। देखो मम्मी जी अगर आप देख रहे हो हमारा ब्लॉग तो ये देखो, उसे थोड़ा डांट लगाना, और मोन्टू को बोलना वो भी डांट लगाएगा। मम्मी जी मतलब मेरी सासू माँ है, और मोन्टू मेरे साला है, ये मोन्टू से बहुत डरती है, मेरे साले से बहुत डरती है। ये देखो तो गाइस आके देखो ये घी खा रही है, देखो बार बार खा रही है,
अब से घी इतना स्वाद लग रहा है, कह रही कि मेरे को और चाहिए, कह रही मैं दो कटोरी और खाऊंगी। अच्छा मुँह मुँह में फिर खाती है, नजर लग गई थी, चेहरे पे स्माइल है। देखो उसकी चेहरा देख लगा, जब भी खाना खाते तो मुँह मुँह दिखाने लायक नहीं रहती। तो गाइस टाइम हो गया अभी 5:15 के आसपास का टाइम है और हम लोग बस अब तैयार हैं, हम लोग मतलब तैयार हैं तिलक मंदिर जाने के लिए। थोड़ा सा कपड़े वाले लेंगे तो हाँ, तो चलिए अभी हम आपसे मिलते हैं अभी तिलक नगर। तो गाइस बस अभी हम लोग जा रहे हैं तिलक नगर की तरफ, आज वहाँ कहाँ चले गए। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं तिलक नगर मार्केट। आज खाली खाली क्यों लग रही है प्लीज, तुम देखे आधे को खाली लग रही पूरी मेरे बड़े वो कमेटी आए हुए ना, तो कमेटी के चक्कर में पूरी खाली हो गई है। टेंशन कपड़े वहां पीछे मिलेंगे ना, नहीं वो वहाँ पे मिलेंगे सामने इधर, यहाँ से ये तो है बड़ा तो बस तनीजे ने तो अपना सामान ले लिया, बस अब हम जा रहे हैं वापस। कुछ खाना हो ले लो, अच्छा तो अभी हम लोग यहाँ पर नींबू पानी पीने रहे हैं और बस अब हम जा रहे हैं मोट कचौड़ी खाने। कुछ खाना है चा यहाँ पर गोल पे, कुछ खाना है चा। ये रहे अंकल जी, ये रहे मोट कचौड़ी वाले अंकल, इनसे खाते हैं, ये इनका अच्छा स्वाद है मुल्तानी मोट कचौड़ी की। जा रहे घर, कितनी तैयारी वहाँ कर रहे अपन, चल रहे मेरे। तो गाइस बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, सामने हमारा पिज्जा जो पिज्जा हट है उसी के बाहर ही हमने बाइक खड़ी की थी। इसका ये पार्ट भी टूट गया, इसका ये भी चेंज कराना, आगे का जो पार्ट टूटा हुआ है इसको भी चेंज कराना है। तो गाइस टाइम हो चुका है करीब 8:15 का टाइम है, हम लोग दूर से चली गए हैं, गाड़ी के आगे जो टूट गया था वो लगाने गए हुए थे, खैर अब लग गया, अब अपने भी देखने में सही लग गया गाड़ी। और तनीजा तो ये बैठी है आराम से, इतना खाना क्या बनाना है अभी, पुलाव खा ली बेटा, बना तुम बनाओगे मटर बड़ी डाले ना। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं, रात के 9 बज गए हैं और हमारा खाना लग गया है। आज हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें कई लोगों ने रोका था और समझाया भी था कि ऊपर बैठ के खाना नहीं खाते, ऊपर बैठ के कुछ काम नहीं करना, तो ना सब्जी काटे कुछ। तो अब हम लोग धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं कि हम नीचे बैठ के खाना खाएं। तो खाने में अभी हमारा बनाया है पुलाव, खाली सारी बड़ियां इन लोगों ने मेम डाल दी क्योंकि ना ये बड़ी खाती है ना ये बड़ी खाती है, हाँ देखो पतली लेयर बना दी इतने, अब आपको दिख रहा होगा ये देखो खत्म, ये देखो खत्म, अच्छा अच्छा। तो चलिए बस अभी हम खाना खा रहे हैं, आप मिलते हैं खाना खाने के बाद, आप भी जब तक खाना खा लीजिए। तो गाइस बस अब 8:30 हो गई और हम लोग बस जा रहे हैं अब आइसक्रीम लेने के लिए, तनीजा तैयार है आइसक्रीम खाने के लिए, इसको रोज चाहिए आइसक्रीम, वहाँ पर चलो चला जा रोज वाली, रोज ना हो तो अच्छा फोन करूँगा, ठीक है रबड़ी वाली ठीक है। तो गाइस हम लोग अभी घर आ गए हैं और काफी देर भी हो गई है, रिचन आइसक्रीम खा ली है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टाटा बाय गुड नाइट। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो चलिए आपसे मिलते हैं कल, ओके बाय गुड नाइट।